वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ Yoastable। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने डोमेन पर फाइल्स कैसे अपलोड कर सकते हैं। सो आज मैं आपको ये फाइल अपने डोमेन पर अपलोड करके दिखाने वाला हूँ। सो इसके लिए हम इन स्टेप्स को फॉलो करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम अपने क्लाइंट एरिया में लॉग इन करेंगे। सो इसके लिए हम आते हैं Yoastable की वेबसाइट पर, देन यहाँ पर हम लॉग इन करेंगे। देन अब यहाँ पे हमें सर्विसेज में जाना है, देन यहाँ पे आप मैनेज प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ स्क्रॉल डाउन करने पे आपको दिखेगा लॉग इन टू डायरेक्ट एडमिन, इस पर क्लिक करें। अब आपको यहाँ पे अपने डायरेक्ट एडमिन में लॉग इन करना है अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड के थ्रू। ओके, सो अब हम सक्सेसफुली लॉग इन हो चुके हैं हमारे डायरेक्ट एडमिन के अंदर। सो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमको यहाँ फाइल मैनेजर ओपन करना है जो कि हमें सिस्टम इन्फो एंड फाइल्स के अंदर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो फाइल मैनेजर को ओपन कर लें। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में अब हमको यहाँ पे डोमेन्स पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डोमेन्स का फोल्डर दिख जाएगा, इसको ओपन कर लें। देन अब यहाँ पे आपको अपना डोमेन नेम दिखेगा, तो यहाँ पे हमारा डोमेन है, इस फोल्डर को हम ओपन करेंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कई सारे फोल्डर्स हैं, तो यहाँ पे हमको इसमें से पब्लिक अंडरस्कोर HTML फाइल को ओपन कर लेना है। सो यहाँ पे है हमारा पब्लिक अंडरस्कोर HTML वाला फोल्डर, तो इसको ओपन करेंगे। देन इसमें हमको सारे ही जो फाइल्स हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करना है और उसको रिमूव कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट ऑल करेंगे, देन यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ रिमूव का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको सिंपली यहाँ से रिमूव कर देना है। देन यहाँ पे रिमूव करेंगे। ओके, सो सक्सेसफुली हमारी जो सारी फाइल्स थी इस फोल्डर के अंदर वो डिलीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर हम अपनी फाइल्स अपलोड करेंगे, तो देखते हैं कैसे अपलोड करना है। सो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो न्यू का बटन आपको एक दिखेगा यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ अपलोड फाइल्स करेंगे, देन यहाँ पे अब आपको अपनी जो zip फाइल है उसको अपलोड करना होगा। ये आपको ध्यान रहे, यहाँ पर आपको zip फाइल अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी फाइल है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। सो अब यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। सो ये यहाँ पर अपलोड हो रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। देन यहाँ पे जो टिक है इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, देन यहाँ इसको कट कर देंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो zip फाइल है वो यहाँ अपलोड हो चुकी है। सो अब हमको इस पर राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, देन अब यहाँ पे फिर से एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारी फाइल है वो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। सो अब आप अपना डोमेन ओपन करके चेक कर सकते हैं। सो आपने जो फाइल अपलोड की थी वो यहाँ सक्सेसफुली अप्लाई हो चुकी है एंड यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट है वो यहाँ पे होस्ट हो गई है। ठीक है, सो इसी तरह से आप अपनी किसी भी रैंडम वेबसाइट को यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक करें एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।